लेता है वो बाइट, मैं पूछती हूँ जाके, बाइट तो देनी चाहिए। नहीं नहीं, आई थिंक इज अ वंडरफुल गाय, नथिंग लाइक दैट। एट टाइम्स बिकॉज देर आर टाइम्स हम मतलब डबल यूनिट में इधर उधर भाग रहे होते हैं, हमें खुद के लिए टाइम नहीं होता है, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी को हर्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हर्ट हो सकता है। यू ऑल, हम लोग, हम सब वे ह्यूमंस, राइट? सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, दे वोकल अबाउट इट, बट प्रेजेंटिंग इट इन अ सर्टन वे इज रिक्वायर्ड। मतलब एक अच्छे तरीके से आप वो चीज़ प्रेजेंट कीजिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप, मतलब ऑब्वियसली आई थिंक, वरना मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई कमी है। वो अपना काम लॉयली करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे एक्टर हैं, एंड इंसान भी बहुत अच्छे हैं। Here because of you guys, our audience, our media, obviously, and there is no denying there, bilkul wo to hai hi nahi. And if at all ki unko lagta hai ki wo they have been ignored or aisa kuch hai, so we are there to make up for it always, and I'm glad that people were vocal about it. And main bhi yahi kehna chahungi unki taraf se, meri taraf se, mere liye bhi kuch thoda bahut likha hua tha कि चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। ऑफ कोर्स देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर टायर्ड, देयर आर 10-15 चीज़ होती हैं, और हम भी इंसान ही हैं, 10 बार तबीयत भी ख़राब होती है, तो हर किसी को हम रोक के ये नहीं बता सकते नहीं आज ही हमारे बीच में ये प्रॉब्लम हुई है। ऑब्वियसली सब अपना अपना काम कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो राइट एट योर पार्ट, दे आर ऑल्सो राइट, बट आई थिंक प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है बस, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स